बच्चों के द्वारा भिक्षा मांगी जाती है, उनको लेकर एक अभियान चलाया गया। किस तरह का अभियान था, आगे क्या कार्रवाई की? सड़क जैसी परिस्थितियों में जो बच्चे रह रहे, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, यानी हॉट स्पॉट है, इसमें ऐसे बच्चे जिनके कोई नहीं, माता पिता नहीं है, भिक्षा मांगते हैं और वही रह लेते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आज इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिला अधिकारी महोदया जी के द्वारा, जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया के दिशा निर्देशन में ये अभियान जिला बाल संरक्षण इकाई थाना एसटीयू तथा चाइल्डलाइन के द्वारा चलाया गया। इसके क्रम में आज रेलवे स्टेशन था, बस स्टेशन पे हम लोगों ने सघन अभियान चलाया था, लोगों को जागरूक किया कि अगर ऐसे कोई बच्चे हैं या दिखते हैं, पाए जाते हैं, तो तत्काल जिला प्रशासन को 1098 को सूचना दें, जिससे कि उन बच्चों को हम लोग पुनर्वास कराया जा सके, शिक्षा से तथा उनके वेलफेयर की योजनाओं से जोड़ करके उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। कोई बच्चे आज मिले आप लोगों को? आज तो शुभारंभ आ चुका है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम है, अन्य डेटों में डिसाइड है किन किन डेटों पे कहाँ कहाँ अभियान चलेगा, तो पूरे जनपद को हमें कवर करना है कि कोई भी बच्चा सड़क जैसी परिस्थितियों में ना रहे, कठिन परिस्थितियों में वो ना रहे, जिससे कि उसको कोई समस्या हो। अगर ऐसे बच्चे कोई भी मिलते हैं, या आप लोगों से भी अपील है, अगर कोई बच्चे दिखते हैं तो सूचना दें, जिससे हम उनको जो है पुनर्वासन कर सकें। ये अभियान कब तक चलाया जाएगा? ये पूरे एक महीने का अभियान है ये।